JSR Agriculture Channel को सब्सक्राइब। सारे जमींदार भाई, सारे किसान बहन भाइयों ने प्रदीप जंगड़ा की तरफ से और दीपक एग्रो अग्रोवा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। भाई साहब, हम लोग 15 सालों से लगातार कृषि यंत्रों में लगातार हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं, जिसमें डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, बिजाई की मशीनें और हर तरह के न्यू टेक्नोलॉजी के जितने एग्रीकल्चर में होने चाहिए एडवांस टेक्नोलॉजी का आइटम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और आज एक छोटी सी जानकारी लेके आप लोगों के समक्ष हम लोग पहुँचे हैं दीपक एग्रो अग्रोवा से। आज हम लोग आपको जानकारी दे रहे हैं, एक बिजाई की मशीन है सीड ड्रिल, जिसको हम मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने एक ऐसी दिया है जमींदार भाई को, उसको बार बार अलग अलग मशीनों पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार 1,00,000 रुपया खर्च किया और मशीन अपनी, ये मान के चलो जितनी ब्रह्मांड के अंदर हम लोग अपने हरियाणा, पंजाब, यूपी या अदर स्टेट के अंदर जो हम बिजाई करते हैं, ये उसके लिए 101% कैपेबल है। इसके अंदर क्या चीज़ है, हम लोगों ने आगे इसके ऊपर एक खाद की टंकी लगाई हुई है। इसका काम क्या है, जिस टाइम पे हम लोग जमीन को जोत के उसमें खाद का छिड़काव जमींदार भाई हाथ से किया करते, लेकिन अब हम लोगों ने इसमें फीडिंग सिस्टम दे के ऑटोमेटिक ही जिस टाइम पे हम लोग सीडिंग कर रहे हैं, शोविंग कर रहे हैं, बिजाई कर रहे हैं, उस टाइम पे ये अपना काम करेगी। क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पे एक टैंक बना दिया, इस टैंक के अंदर 50 किलो 60 किलो जमींदार भाई इसके अंदर आराम से खाद डाल सकता है। खाद डालने के बाद में क्या होगा, हम लोगों ने इसके ऊपर ये ढक्कन भी दिया हुआ, इसका बेनिफिट क्या है जी, अगर बारिश बुरिश आ जाती है तो आराम से इसको बंद कर दिए। बंद करने के बाद में क्या होगा जी, बारिश बुरिश से अपना खाद खराब नहीं होगा। ये लेंच पिन दी हुई है जी, आराम से इसको बंद कर सकते हैं। आगे क्या होगा, यहाँ से जितना अंदर खाद आएगा उस हिसाब से ये फीडिंग करता जाएगा, नीचे आता चला जाएगा। हम लोगों ने पाइप की सहायता से आगे फाले अलग से लगा दिए हैं। इसका अलग से लगाने का बेनिफिट क्या है, जो ये खाद की बिजाई करेगा, बीज की बिजाई से करीब करीब आधा इंच एक इंच उससे अलग करेगा। अलग करने का मतलब क्या हुआ, पहले क्या करता, छिड़काव करते थे हम लोग खाद की, खाद की छिड़काव करने से क्या होता था, जिस टाइम पे हम लोग बिजाई करते हैं तो कहीं ना कहीं खाद के साथ में अपना बीज आ जाया करता और उससे अपना बीज खराब हो जाया करता। लेकिन इसमें क्या होगा, जो बीज की बिजाई होगी, बीज की बिजाई के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसमें 7 कुप्पों की एडजस्टमेंट कर रखी है, जिसको हम लोग डिस्क बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। इसके अंदर वैसे भी थोड़ा अच्छे से दिखाइए प्लीज एक बार, इसके अंदर क्या है, हम लोग जोनसी भी आप लोगों को बिजाई करनी है उसके हम लोग साँचे बना देते हैं जी। और साँचे बनने के बाद में जितनी हमें जितनी भी जरूरत है अभी बिजाई हम लोगों को, जिस हिसाब की भी करनी है, सरसों की करनी है, बाजरे की करनी है, अदर आइटम जो भी हैं, जैसे अपने भाई मान के चलो अपनी ग्वार की करनी है, बीटी नरमा की करनी है, ये एक ही टंकी सारा का सारा काम करेगी। और जो पीछे वाले फाले दे रखे हैं, पीछे वाले फाले का सबसे बढ़िया काम क्या है, आगे बीज की बिजाई, खाद की बिजाई हो जाएगी, खाद की बिजाई होने के बाद में ये अपनी बीज की बिजाई करेगा। उसके बाद क्या, इसमें हमने एक और जबरदस्त टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है भाई, हम लोगों को क्या करना है, नरमे की बिजाई करनी है, उस टाइम पे क्या होगा, इसमें से हम लोग 3 कोई भी सिलेक्टेड अपने हिसाब से कुप्पों में अपना बीज डाल के, और बाकी जो एक्स्ट्रा फाले बच गए हैं ये 7 हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक फाले को ऊपर उठा देते हैं। ये सेटिंग हम लोगों ने एडजस्टमेंट वाली कर रखी है, पिन निकालेंगे बड़े आराम से, ये पिन अपनी निकल जाएगी जी। उसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग ऊपर उठा देंगे, ये ऊपर होके ये पिन लग जाएगी, तो जमींदार भाई को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी इस काम के लिए। इसके अंदर हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी और यूज कर रखी है, जो
कई जगह मिट्टी नरम होती है, बालू रेत की होती है, अब बिजाई तो वहां भी करनी है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोगों ने, जो इसके फाले बनाए हैं एक इंच डाउन करने के लिए हम लोगों ने पहले ही होल दे दिया है। बड़े आराम से देखिए, नीचे करने के बाद में क्या होगा जी, जिस टाइम पे अपना टायर से जमीन नीचे धस जाती है तो ये बड़े आराम से वहां तक की बिजाई कर सकता है। और अगर इसको हम ऊपर रख दें तो क्या होगा, अपना बीज ऊपर गिरेगा और ऊपर गिरेगा तो जर्मिनेशन नहीं हो पाती। उसके बाद इसके हम लोगों ने जो बीच वाला टैंक है वो हम लोग गेहूं की बिजाई के लिए यूज करते हैं, ज्वार के लिए यूज कर सकते हैं, मक्के के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हमने अलग तरह की पिस्तौली यूज कर रखी है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी की है। उसमें क्या है, अपने हिसाब से हम 10 20 30 50 जितना हम लोगों को बीज डालना है उस हिसाब से हम लोग सेटिंग कर सकते हैं। इसकी हमने फीडर की सेटिंग यहाँ पे दे रखी है। इसका क्या काम है, एक बार पिस्तौल दिखा दीजिए भाई साहब प्लीज अच्छे से। इसमें टैंक खोला, टैंक के अंदर हम लोग बड़े आराम से इसके अंदर गेहूं की बिजाई जब हमने करनी है इसके अंदर 50-60 किलो आराम से डाल के हम लोग इसकी गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इसके साथ में एडजस्टर दिया हुआ है। एडजस्टर का क्या काम होता है, बीज को कम ज़्यादा करने के लिए। अब क्या है, किसी न किसी जमींदार भाई को अगर 40 किलो डालना है तो ये 40 किलो भी डाल लेगी, 50 लेना 50 डाल लेगी। हम लोग इसको बड़े आराम से हाथ से भी घुमा सकते हैं, बट एक हैंडल हम लोग इसके साथ में देते हैं हम, तो आप हैंडल से इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद सबसे बढ़िया बात इसकी, हम लोगों ने इसको कम, अब क्या होता है ज़मीन के अनुसार बीज की कम ज़्यादा की बिजाई करनी पड़ती है, तो हम लोगों ने इसके साथ में एडजस्टर लगाया हुआ है। और एडजस्टर के साथ में क्या है, गियर बॉक्स दिया हुआ है। गियर बॉक्स में चार तरह के गियर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। उसमें क्या होगा, इसकी हम स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे क्या होगा, जिस टाइम पर हम लोग इसको खेत में चलाएंगे ये चलेगी ऐसे, इस हिसाब से चलती है। एक बार गियर बॉक्स दिखा दीजिए भाई साहब प्लीज। ये गियर बॉक्स अपना काम करता रहेगा। अगर हमने इसकी स्पीड को कम ज्यादा करना है तो यहां एक लीवर दिया हुआ है, इस लीवर से हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये नट निकालना है, नट निकाल के बड़े सिंपल तरीके से इसकी स्पीड को हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ये फर्स्ट गियर हम लोगों ने यहां पे लगा दिया है। ये जी, अब अगर किसी भाई साहब को पहली बार कोई बिजाई कर रहा है उसके लिए हम लोगों ने दोनों तरफ फरी वाले पहिए लगाए हुए हैं। कई बार क्या होता है ट्रैक्टर में एडजस्टमेंट करने के लिए अपनी लिफ्ट काम ना करती हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहियों को सेट करके अपना बड़े आराम से ये मशीन अपने पोजीशन पे चलती रहेगी। और बहुत बढ़िया, कोई अनजान भी भाई होगा जिसको ट्रैक्टर की नॉलेज कम है, बिजाई की नॉलेज कम है, वो भी बड़े आसानी से इस मशीन के द्वारा अपनी हर तरह की बिजाई कर सकता है। और बिजाई में क्या क्या मैं बात करूँ तो सरसों, ग्वार, बाजरा, मक्का, बीटी मशीन की बीटी बिजाई, नरमा की बिजाई, गेहूँ की और साथ में खाद की। तो भाई साहब इसके लिए जो जो भाइयों ने, जिस किसी जमींदार भाई ने अपने हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में अगर इस मशीन की रिक्वायरमेंट है तो दिए हुए फ़ोन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कीजिए। और आपकी अपनी फेमस कंपनी दीपक एग्रो अग्रोवा आप लोग आ सकते हो। हमारा एड्रेस है अग्रोवा से भरवला रोड के ऊपर, नंखड़ा गांव से किरमारा रोड के ऊपर अपनी फैक्ट्री है। यहाँ पे हम लोग बहुत हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें हम लोग बना रहे हैं। और जमींदार भाइयों से गुजारिश है कि वो एक बार आके इंप्लीमेंट देखे, यूज करके देखे, चला के देखे और हमें एक सेवा का मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।